आश्रय स्थल बनाए। अभी बहुत सारे गांव में समस्या है, छुट्टा गौवंश जिनके कारण से किसानों की फसल को नुकसान होता है। अब इस पर मेरा एक निवेदन है, हम गोआश्रय स्थल बनाए। अब मेरा एक सवाल बड़े प्रेम से आपसे कर रहा हूं, ये छोड़ता कौन है गौवंश, छोड़ता कौन है? हम ही लोग छोड़ते हैं ना। देखिए हमारी सरकार, हम गाय के गर्दन में छुरी नहीं चलने दे सकते, लेकिन अगर आपके यहां कोई दूध देने वाली गाय है तब तो आप अपने घर पे रखोगे, दूध देना बंद करेंगे छोड़ दोगे, फिर सरकार को कोसने लगोगे, सरकार व्यवस्था नहीं करती है। मैं यहां पर यह भी आदेश दे रहा हूं, चारागाह की जितनी भी जमीन है एक एक इंच खाली कराएंगे, ऐसे निराश्रित गौवंश के लिए वहां चारा उत्पादन करेंगे, और जो निराश्रित गौवंश है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं उसे गो आश्रय स्थल तक पहुंचाने का कष्ट तो उठाइए, उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो? ये उठाइए तो आपको छुट्टा ये गौवंश दिखाई नहीं देगा। सरकार पैसा खर्च कर रही है, व्यवस्था कर रही है, इस व्यवस्था को हम करें और आप उसमें सहयोग नहीं करेंगे। देखिए किसानों के द्वारा जो फसल तैयार की जाती है वह केवल उसका परिवार नहीं खाता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेती नहीं करते लेकिन रोटी तो वह भी खाते हैं, सब्जी तो वह भी खाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं केवल यहां गांव सभा के लिए नहीं कि हम केवल इस ग्राम सभा के लिए बल्कि पूरे जनपद के लिए। अगर कोई चक मार्ग की समस्या है, चक मार्ग है और उस पर कोई अवैध कब्जा है, तो मैं खुले मंच से यहां निर्देश दे रहा हूं कि चक मार्गों की नाप करा करके बिना देरी चक मार्गों को खाली करा करके आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करा दीजिए। इससे बहुत सारे झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोग की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बहुत सारे हमारे अमृत सरोवर बन गए हैं या बन रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सरोवर हैं। हम लोगों ने तय किया हर गांव के कम से कम दो तालाबों को सरोवर के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। अब अमृत सरोवर बना उसके चारों ओर कागज वहां जमीन कुछ और है, लेकिन मौके पे जो सरोवर बना है छोटे क्षेत्र में बन गया है। मैं यहां भी निर्देश दे रहा हूं कि वहां सरोवर की नाप करावे और जो जमीन अभी किसी के कब्जे में है उसे खाली करावे, वहां पर वृक्षारोपण करावे, अगर कोई माफिया है तो तत्काल खाली करावे। अगर